हेलो ट्रेडर्स, मार्केट की सही ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम बिलायत हुसैन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पहला पॉइंट पेशेंस के बारे में। पेशेंस यानी धीरज। इस स्टॉक मार्केट में आज अगर कोई प्रोफेशनल या सक्सेसफुल ट्रेडर बना है तो उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा पेशेंस था, बहुत ही ज़्यादा जो कि उन्होंने अपना पेशेंस को डेवलप किया है, इसीलिए आज जो कि इस स्टॉक मार्केट में एक प्रोफेशनल और सक्सेसफुल ट्रेडर वो बन पाया है। इस स्टॉक मार्केट में कोई अगर ट्रेडर, बिगिनर ट्रेडर अगर अपना अंदर पेशेंस को डेवलप नहीं करेगा तो इस स्टॉक मार्केट में वो लगातार लॉसेस करेगा, और जब तक वो अपना अंदर पेशेंस डेवलप नहीं करेगा तब तक इस स्टॉक मार्केट में वो लॉसेस करेगा। जैसे कि हमारा दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर, सबसे बड़ा ट्रेडर ने एक चीज़ बताया कि द स्टॉक मार्केट इज ए डिवाइस, यानी जो मार्केट है वो एक डिवाइस की तरह है। इम्पेशेंस टू पेशेंस मनी ट्रांसफर, यानी जिनके पास इम्पेशेंस है यानी धीरज नहीं है उनसे पैसा लिया जाता है, और जिसके पास पेशेंस है यानी धीरज है उसके पास पैसा को दिया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। तो स्टॉक मार्केट मान लीजिए एक डिवाइस की तरह है, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आपके पास से जो मार्केट है वो पैसा ले लेगा, अगर आपके पास पेशेंस है तो आपको मार्केट पैसा देगा। जब तक आप अपना अंदर पेशेंस को नहीं डेवलप करेंगे तब तक मार्केट आपसे पैसा लेते रहेगा। तो एक ट्रेडर जो बिगिनर ट्रेडर है वो बहुत ही ज़्यादा गलती करता है इस मार्केट में। वो जब नया आता है तो एक वो फोमो में रहता है, यानी फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी उसको लगने लगता है जब मार्केट ओपन होता है उसको लगने लगता है अगर मैं ये ट्रेड नहीं लूँगा तो हो सकता है ये ट्रेड मुझे से मिस हो जाए। वो ट्रेडर हमेशा हड़बड़ी में रहते हैं, वो हड़बड़ी में ट्रेड डालते हैं, हड़बड़ी में ट्रेड डालने के बाद उसका बहुत ही ज़्यादा लॉसेस होता है, क्योंकि वो कोई भी स्टॉप लॉस एंड टारगेट के लिए वो डिसाइड नहीं करता या कोई भी प्लान नहीं करते हैं, और उसका बहुत ही ज़्यादा लॉसेस हो जाता है। जब उसका लॉसेस हो जाता है तो वो जल्दी ये लॉस क्विक जो लॉस है उसको रिकवरी करने के लिए सोचता है, और कभी वो बाई सेल जब एक ग्रीन कैंडल बन जाते हैं कभी बाई कर लेते हैं, जब एक रेड कैंडल बन जाते हैं तो वो सेल करते हैं। तो इसी ऐसे करके जो पूरा दिन मार्केट चलता है उस मार्केट के अंदर वो लॉसेस कर देते हैं, और एंड ऑफ द डे बहुत ही ज़्यादा लॉसेस होता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है, आपको अपना अंदर पेशेंस डेवलप करना है। जो एक स्ट्रेटेजी, जो एक साइकोलॉजी एंड जो मनी मैनेजमेंट एंड जो डिसिप्लिन, जो रूल्स आपने बनाया है उसको बस आपको फॉलो करना है। तो आपको इस मार्केट में कैसे काम करना है, इस मार्केट में जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर है वो एक स्पेकुलेटर है, यानी एक स्पेकुलेटर किस तरीके से सोचता है, यानी आपको क्या करना है, अपना जो सेटअप है सेटअप के लिए आपको वेट करना है। जो आपका सेटअप है, जो आपका डिसिप्लिन है, जो आपका मनी मैनेजमेंट है उसके लिए आपको वेट करना है। जब आपको सही सभी इन्फॉर्मेशन मिले तभी आपको ट्रेड डालना है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा, आप जितना भी कोशिश कर लीजिए इस स्टॉक मार्केट में कभी भी आपका प्रॉफिट इस मार्केट में होने वाला नहीं है। इस मार्केट आपको पूरा पूरी ख़त्म कर देगा, और इस मार्केट जो कि आपसे पैसा लेके, जो इम्पेशेंस लोग हैं उनसे पैसा लेके, जिनके अंदर पेशेंस है उन लोगों को पैसा बांटेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो वीडियो है आपको काफ़ी अच्छा लगा, और इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ सीख पाया, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के वीडियो जो कि नेक्स्ट वीडियो इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, तो एक एक करके जो कि फोमो, ग्रीड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्जर्वेशन, होप और बहुत सारा जो कि पेशेंस तो यह भी मैं डाल रहा हूँ, तो बहुत सारा जो कि साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ के इस स्टॉक मार्केट में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।